नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में करवा चौथ पर पत्नी के ससुराल न आने से दुखी पति ने जहर खाकर जान दे दी। युवक पत्नी के मायके से ससुराल नहीं लौटने के कारण तनाव में चल रहा था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ पत्नी ने मारपीट की रिपोर्ट भी एरोड्रम थाने में दर्ज कराई थी। एरोड्रम पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करवा चौथ के दिन पत्नी पूरे दिन उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, लेकिन इंदौर में करवा चौथ पर अपनी पत्नी के घर न आने से दुखी पति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पति को छोड़कर कई दिनों से पत्नी अपने मायके में रह रही थी। परिजनों ने बताया कि मृतक रंजीत निवासी छोटा बांगड़ा मजदूरी का काम करता था और अपनी पत्नी के ससुराल में न आने से दुखी होकर जहर खा लिया। बालक की घटना, उन्होंने वो सलपास खा लिया। क्या नाम था, क्या वजह बनी? रंजीत नाम था उसका जी। उसके सास ससुर उसकी मिसेज को लेके चले गए थे जी। तो उस चक्कर में उसको उनको लाने के लिए बोल रहे थे वो, कि बोले कि लेके आओ लेके आओ। तो वो गए थे, जब रिपोर्ट डला के गए थे उनकी, कि बोले घर में झगड़ा झगड़ा करता है लड़की से। तो उसकी लड़की ने उनको फ़ोन वोन लगा के बुला लिया था। तो इन्हें थोड़ा झोंक नोक हो गई थी, उस चक्कर वो लेके गए और उन्होंने रिपोर्ट डला दी उसके नाम की, कि बोले ये मारपीट करता है और दारू दंगड़ पीता है और दूसरे गैर संबंध है, मतलब इसके इस तरीके की रिपोर्ट डला के गए थे वो लोग। कब तक गई थी मायके बच्ची? मायके गए थे और जब जिस दिन माता जी बैठी थी उस तारीख को गई थी। कल करवा चौथ था? हाँ, कल करवा चौथ था। तो उसके पहले जहाँ रिपोर्ट डली थी वहाँ से मैंने उनका करवा दिया था। तो ये बोल रहे थे मैडम से कि मैडम बुलवा लो, मैडम ने फ़ोन भी लगाया था, इसके अलावा वो भेज नहीं रहे थे। उन्होंने नहीं भेजा। तनाव क्या था पत्नी नहीं आने का? हाँ, तनाव यही था, पत्नी नहीं आई थी उसकी। बोले कल करवा चौथ है और मेरी पत्नी मेरे घर पे होना चाहिए करवा चौथ मनाने के लिए। थाने में रिपोर्ट डली थी? थाने में रिपोर्ट अब एरोड्रम में डली थी। कितने साल शादी को हो गए? शादी के 1.5 साल हो गए। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं रूपनगर छोटा बांगड़ा में रहता हूँ। और ससुराल कहाँ था बच्चे का? ये झिकड़ी गाँव में। झिकड़ी गाँव? हाँ। तो क्या नाम था बच्चे का पूरा? रंजीत बरजत्या। उम्र क्या थी? 22 साल। क्या करता था ये? ये अभी घर पे ही था, काम नहीं कर रहा था। सब कोई सुसाइड नोट छोड़ा गया नहीं, नहीं। बयान में ये दर्ज करवाया था? बयान में सरकारी बात बोली थी उन्होंने के नहीं आने की। हाँ, यही बात बोली उन्होंने। हाँ, सलपास खाया। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू बरजत्या। मैं उनका पिताजी हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़।